वेलकम गाइस वेलकम बैक टू यू ऑन चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट इस वीडियो में आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी तो जानेंगे कैसी एक्सपायरी देखने को मिली तो एक बहुत अच्छे बुल रन के बाद आज का एंड ऑफ मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिला गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली और इसका मेन रीजन था जो फेड की स्टेटमेंट आई है फेड की तरफ से ये तो पहले ही अनाउंस था कि फेड टेपरिंग स्टार्ट करेगा जिसमें वो जो बॉन्ड्स अभी तक परचेज कर रहा था मार्केट में वो अब परचेज करना बंद करेगा ये तो ऑलरेडी मार्केट को पता था लेकिन कल की स्टेटमेंट में ये भी क्लैरिफाई हुआ है कि अब वो सेल भी करना स्टार्ट करेगा बॉन्ड्स को जो उसने ऑलरेडी परचेज़ किए तो काइंड kind ऑफ of इस न्यूज़ को मार्केट ने नेगेटिव लिया था यूएस मार्केट बहुत नेगेटिव क्लोज हुई थी कल एंड उसका आज हमें इंपैक्ट देखने को मिला इंडियन मार्केट्स पर भी क्योंकि इससे काइंड ऑफ मार्केट से लिक्विडिटी kind of थोड़ी कम होती हुई दिखेगी अभी तक कंट्रीस मार्केट में बहुत अच्छी लिक्विडिटी थी अब अब इस एक्शन के बाद फेड के लिक्विडिटी थोड़ी यूएस मार्केट में कम होती हुई दिखेगी इस वजह से कल हमें एक मेजर डाउनफॉल देखने को ला था एंड ग्लोबली हम इतना कनेक्टेड है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला एंड यही रीज़न था कि हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी लेकिन लोअर लेवल से हमें काफ़ी अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी में देखेंगे तो लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला तो ओवरऑल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है क्या ट्रेंड है जो कंटिन्यूस रैली हम देख रहे थे तो एक डाउनफॉल 18,000 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस थी भी वहाँ से डिप एक्सपेक्टेड भी था लेकिन अब ओवरऑल ट्रेंड क्या है हमने आपको पहले बताया था बेरिश ट्रेंड तो काइंड ऑफ मार्केट का ओवर हो चुका है वहाँ से हम अच्छा अपमूव देख भी रहे थे अब ओवरऑल आगे के लिए क्या ट्रेंड है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो ट्रेंड डिसाइड करेंगे और कल के लिए इंट्राडे क्या लेवल्स होंगे और कैसे आपको कल इंट्राडे ट्रेड्स बनाने है? वीक का लास्ट डे या फ्राइडे को वो तो कल कैसे आप ट्रेड्स बना सकते हैं सब कुछ डिटेल में जानेंगे लेकिन सबसे पहले चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है यार कर लो फटाफट वाड़ सब्सक्राइब आज भी देखेंगे मार्केट लेवल्स पे बहुत अच्छे से वर्क किया एंड सुपर ट्रेंड ने भी गज़ब से वर्क किया होप आपका दिन अच्छा रहा होगा एक्सपायरी आपकी अच्छी रही होगी अगर आपने सिस्टमैटिक ट्रेड लिए थे और सेटअप को फॉलो किया था चलिए एनालिसिस पार्ट शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और आज से हम करते हैं चार्ट एनालिसिस क्योंकि ऑप्शन चेन पर इतना कोई ज्यादा डाटा बिल्डअप नहीं होता एक्सपायरी वाले दिन तो आज से करेंगे चार्ट एनालिसिस पहले देख रहे हैं हम निफ्टी का एनालिसिस तो ओपनिंग जैसा कि हमने आपको बताया शार्प गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली काफ़ी शार्प मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड उसके बाद भी एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था अभी हमने आपके लिए लेवल्स जो ड्रॉ किए हैं एज़ पर एक्सपायरी है अभी इन्हें चेंज करेंगे कल के लिए सेटअप अलग है ये एज़ पर एक्सपायरी आपको ईजिली समझा सके इंट्राडे मार्केट इसलिए हमने यहाँ पर ये लेवल्स मार्क किए ठीक है तो गैप डाउन ओपनिंग हुई 17800 मॉर्निंग में ही गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही ब्रेक हो गया और गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी हमें कंटिन्यूस डाउन मूव देखने को मिला फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ 17700 पे देखेंगे मार्केट काइंड ऑफ सपोर्ट ले रही है क्योंकि यहाँ पहली बार बाउंस बैक देखने को मिला काफी कैंडल्स ने इस लेवल को टेस्ट भी किया यहां से बाउंस बैक आया सेकेंड टाइम फाइनली ये लेवल भी ब्रेक हुआ एंड फिर ये वर्क करता है एज अ रेजिस्टेंस का आपको दिख रहा है ठीक है यहाँ से फिर डिप आता है और ऑलमोस्ट सेवनटीन सिक्स फिफ्टी के आसपास ही हमने आज डे लो लगाया तो आज के लिए निफ्टी में एवरी फिफ्टीज़ पे आपके लिए लेवल थे वही लेवल हम आपको यहाँ मार्क mark करके मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहे हैं ठीक है तो आप देखेंगे काइंड kind ऑफ of वहीं मार्केट डे लो लगाती है और यहाँ से फिर स्टार्ट होती है मार्केट में रिकवरी ठीक है यहाँ से काफ़ी डिसेंट रिकवरी हमें देखने को मिलती है और जब सेवनटीन अपसाइड ब्रेक होता है तो फिर वर्क करता है एज अ सपोर्ट का भी तो लेवल एक्सपायरी में जो आपको बताए थे परफेक्टली वर्क करते हुए आपको दिख रहा है और कहीं भी हो मार्केट चाहे थाउजेंड पॉइंट बिलो हो या फाइव हंड्रेड पॉइंट्स अबव हो आपके पास एक्सपायरी में सिंपली लेवल थे हमने आपको क्लियरली कहा था एवरी फिफ्टीज़ पे आपको मार्क करना है एंड वो लेवल्स आपके लिए वर्क करेंगे ठीक है एग्जैक्टली वही देख रहे हैं सेवनटीन सेवन हंड्रेड पर यहाँ से बाउंस आता है फर्स्ट टाइम फिर मार्केट कहाँ तक जाती है सेवनटीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी यहाँ रजिस्टेंस फीस करती है यहाँ से दोबारा डिप आता है ऑलमोस्ट सेवनटीन सेवन हंड्रेड तक और फिर यहाँ से दोबारा हमें एक बहुत ही अच्छा मूव भी देखने को मिलता है सुपर ट्रेंड भी अभी तक बाय सिग्नल दे चुका था और फिर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली एंड क्लोजिंग फिर से सेवनटीन सेवन फिफ्टी लेवल के आस पास ही आई है तो मॉर्निंग में एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था फिर मार्केट आफ्टर टू थर्टी एक रिकवरी फेज में आती है और वहाँ से हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है तो ये ओवरऑल इंट्राडे था जहाँ क्लोजिंग ओवरऑल देखेंगे तो नेगेटिव आई है लेकिन इंट्राडे की अगर से बात करें तो मार्केट ने सारे फॉल को जो इंट्राडे में फॉल हुआ था वो काइंड ऑफ रिकवर भी कर लिया ठीक है जहां मार्केट ओपन हुई थी ओपनिंग का फर्स्ट एक था ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास क्लोज भी हुई है मार्केट तो इंट्राडे का फॉल तो मार्केट ने कवर अप कर लिया लेकिन ओवरऑल जो गैप डाउन ओपनिंग थी वो मार्केट कवर अप नहीं कर पाई निफ्टी में बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छी रिकवरी आई निफ्टी में वो मार्केट कवर अप नहीं कर पाई तो ये इंट्राडे मार्केट थी अब हमारे मेजर रजिस्टेंस लेवल क्या था एटीन थाउजेंड तो अभी भी एटीन थाउजेंड ही मेजर अपसाइड रजिस्टेंस लेवल है ठीक है फ्रेश ब्रेकआउट इस लेवल के अबव मिलेगा हमें ट्रेंड डाउन ट्रेंड जरूर ओवर हो चुका है वो कब ओवर हुआ था जब सेवनटीन सिक्स हंड्रेड हमने ब्रेक किया था यहाँ ब्रेकआउट मिला था तो हमारा डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका था तो अब मेजर सपोर्ट है सेवनटीन सिक्स हंड्रेड और जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है तब तक बिगर ट्रेंड अब नेगेटिव नहीं है ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दोबारा अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में एंटर करना है तो इस लेवल के बिलो मार्केट डाउन ट्रेंड में एंटर करेगी और अब मार्केट इस फोर हंड्रेड पॉइंट की रेंज में आ चुकी है ऑलमोस्ट हमने इस रेंज को कवर भी कर लिया था सेवनटीन नाइन फिफ्टी ऑलमोस्ट मार्केट हाई लगा चुकी है ऑलरेडी तो अभी भी क्लियर कट क्या व्यू पॉइंट है कि दोबारा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में एंटर होगी तो उसके लिए ये लेवल ब्रेक होगा अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुकी है नहीं डाउन ट्रेंड में मार्केट तभी जाएगी जब ये लेवल दोबारा ब्रेक होगा एंड ये डिप जरूरी भी था अब चार दिन में देखेंगे कंटीन्यूस बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही थी कंटीन्यूस तो ऐसे डिप्स भी ज़रूरी है मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकती ये भी अगर आप अपमूव देखेंगे तो मार्केट में स्ट्रेट लाइन में अप मूव नहीं आ रहा है ये काइंड ऑफ मार्केट कैसे मूव कर रही है देखिए यहाँ डिप्स भी आ रहे हैं मार्केट में ठीक है तो ये छोटे टाइम फ्रेम के डिप्स हैं तो वैसे ही ये बड़े टाइम फ्रेम का डिप था जब मार्केट में कंटिन्यूस बहुत बड़ी रैली आ रही थी तो ये डिप आया है ठीक है डिप में अभी सिनेरियो चेंज नहीं हुआ डाउन ट्रेंड में दोबारा नहीं आया डिप जरूर आया लेकिन ये जो डिप्स होते हैं ना ऐसी मार्केट में वो आपके लिए बाइंग ऑपरचुनिटी लाते हैं मेजर डाउन ट्रेंड इस लेवल के बिलो ही स्टार्ट होगा तो पोजिशनली मेजर लेवल होप आपको क्लियर हो चुका है सेवनटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है पोजिशनली मार्केट का इंट्राडे कल के लिए क्या लेवल्स है और कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं पहले यहाँ पे लेवल्स चेंज कर लेते हैं लेवल्स क्या है सेवनटीन थाउजेंड सेवन थर्टी लेवल है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे ये यह हमारा जोन है तो ये हमारा नॉर्मल ओवरऑल सेटअप वो सिर्फ एक्सपायरी के लिए लेवल्स थे इसलिए आपको समझाने के लिए वहां पे हमने आपके लिए मार्क किए थे ओवरऑल हमारा ये सेटअप रहेगा कल के लिए तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट की बात करें तो कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा मार्केट को अभी इमीडिएट सेवनटीन थाउजेंड सेवन थर्टी फर्स्ट सपोर्ट लेवल उसके बाद सेवनटीन सिक्स फिफ्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है बहुत बार इसी वीडियो में बता चुका हूँ सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आपके लिए तो ये तीनों सपोर्ट लेवल्स हैं रजिस्टेंस की बात करें तो ये जोन एज अ रजिस्टेंस का वर्क करेगा जोन का लेवल है सेवनटीन सेवन एट्टी से सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है इस काइंड ऑफ जोन है और उसके बाद है सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी ये वर्क करेंगे एज अ रेजिस्टेंस का पहले भी आपको याद होगा इस जोन के बिलो बताया था हमने मार्केट बेरिश है इस जोन के अबव मार्केट बुलिश है आज भी काइंड ऑफ ऐसा ही वर्क हुआ यहाँ पे जब जोन ब्रेक हुआ तो कंटिन्यूस हमें बेरिश मार्केट देखने को मिली तो कल के लिए भी कॉल्स में एंट्री आपको बनानी है इस जोन के अबव जब इस जोन का ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको कॉल्स में एंट्री बनानी है ये जोन ब्रेक होना चाहिए सेवनटीन सेवन एट्टी से सेवनटीन एट हंड्रेड ये ब्रेक होता है तो आप कॉल्स में एंट्री बना सकते हैं सिंपली और पुट्स में एंट्री कब बनानी है अभी क्लोजिंग इसके बिलो है जोन के ठीक है तो पुट्स में एंट्री बनानी है सेवनटीन सेवन थर्टी के बिलो और टारगेट होगा सेवनटीन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी लेवल सिंपली कल के लिए ये ट्रेड है सेवनटीन सेवन एट्टी से एट हंड्रेड वाला जोन ब्रेक होता है तो कॉल्स में एंट्री अपसाइड और अगर सेवनटीन सेवन थर्टी लेवल लोअर साइड ब्रेक होता है तो आपको पुट्स में एंट्री करनी है ये सेटअप है लेवल्स को मार्क करके रखिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं ठीक है सिंपली लेवल्स को फॉलो करना है और उनके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स बना सकते हैं ये निफ्टी में कल के लिए लेवल्स है और सिंपल ट्रेड है डायरेक्शन को ही हमें फॉलो करना है ठीक है और सुपर ट्रेंड ज़रूर मार्क करके रखें ट्रेंड आपको वो बता ही देगा कि किस साइड ट्रेंड जा रहा है मार्केट में और किस साइड आपकी मार्केट में डायरेक्शन होनी चाहिए ठीक है तो ये निफ्टी का सिंपल सा सेटअप हो चुका है होप आपको क्लियर है आप बैंक निफ्टी देख लेते हैं कैसी इंट्राडे मार्केट थी और अब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या सेटअप होगा बैंक निफ्टी में भी 36900 से एक ब्रेकआउट मिला था यहाँ भी गैप डाउन ओपनिंग तो ज़रूर हुई लेकिन बैंक निफ्टी में हमें फुल रिकवरी देखने को मिली ऑलमोस्ट फ्लैट आ चुकी थी स्लाइटली पॉजिटिव जाते हुए भी हमने देखा बैंक निफ्टी को निफ्टी की तरह नहीं कि सिर्फ इंट्राडे फॉल को मार्केट ने कवर किया बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग के फॉल को भी कवर अप किया इंट्राडे की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग हुई स्ट्लाइटली लोअर साइड भी जाते हुए देखा मॉर्निंग में ही फर्स्ट मिनट्स और फिर वहां से रिकवरी फेज स्टार्ट हो गया लेवल लेवल टू हमने मार्केट को फिर वर्क करते हुए देखा मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 37,000 एक सपोर्ट लेवल था आपको बताया था एवरी 500 पे एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी वर्क करती है तो 37,050 आई थिंक आज का डे लो था उसके आसपास डेलो लगाया और फिर वहाँ से रिकवरी स्टार्ट होती है रिकवरी में थर्टी सेवन टू हंड्रेड के आसपास देखिए मार्केट काफ़ी टाइम स्पेंड कर रही है इसी लेवल के आसपास ऑलमोस्ट इसी लेवल पे हर कैंडल इस लेवल को टेस्ट कर रही है काइंड ऑफ अपमूव आता है इस लेवल से यहाँ एग्जैक्टली ये जो आपको दिख रहा है लेवल यहाँ अपसाइड जाते हुए क्यों रुकी मार्केट क्यों डिप आया यहाँ पर यहाँ तो कोई लेवल दिख नहीं रहा ना अपसाइड जाते हुए ब्रेकआउट भी मिल चुका है कन्फर्मेशन भी मिल चुकी है फिर ये डिप क्यों आया लेवल तक यहाँ पर तो इसका सिंपल रीजन था सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस थी यहाँ पे अगर आपके चार्ट पे सुपर ट्रेंड मार्क होता तो एक्जैक्टली exactly आपको यहाँ रेजिस्टेंस दिखती उसी रेजिस्टेंस से हमें फॉल देखने को मिला था और फॉल एक्जैक्टली लेवल तक आया लेवल क्या था 37,200 और यहां से एक फ्रेश रैली और बुल रन देखने को मिलता है फिर काइंड ऑफ यहाँ ब्रेकआउट भी मिलता है सुपर ट्रेंड का सुपर ट्रेंड भी बाय सिग्नल दे देता है और उसके बाद एक क्लियर कट रैली यहाँ भी देखेंगे फिर से लेवल पे आपको दोबारा एंट्री मिली थर्टी सेवन फोर हंड्रेड परफेक्टली यहाँ भी लेवल पे आपको एंट्री मिली थी एक्जैक्टली exactly, लेवल से ये बाउंस स्टार्ट हुआ यहाँ भी लेवल से ही ये बाउंस बैक स्टार्ट होता है और नेक्स्ट लेवल भी ईजली मार्केट ने अचीव किया थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी आप देख सकते हैं ईजिली फिर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करती है और वहाँ से डिप देखने को मिलता है तो ये बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई लेकिन उसके बाद काइंड kind ऑफ of एक अप ट्रेंड में ही मार्केट थी और सुपर ट्रेंड ने बहुत ही गज़ब से वर्क किया आपको यहाँ रेजिस्टेंस भी परफेक्टली बताई थी ये ट्रेड भी आपने लिया होता तो भी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट था एंड उसके बाद बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ उसके बाद बहुत गजब की रैली देखने को मिली ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की एंड लेवल टू लेवल भी देखेंगे तो गजब से लेवल्स पे मार्केट ने वर्क किया है सारे ही लेवल्स पे तो परफेक्ट लेवल्स पे एंट्री थी बैंक निफ्टी में भी सुपर ट्रेंड से भी बहुत सिंपल सेटअप है यूज किया होगा तो आपका परफेक्ट डे रहा होगा आज तो होप आप रेंडम रेड्स नहीं ले रहे होंगे और सिंपल जो सेटअप आपको दे रहे हैं वो फॉलो कर रहे होंगे तो ये इंट्राडे मार्केट थी सिंपली हमने मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग के बाद अप ट्रेंड में जाते हुए देखा अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड के आसपास तो अब बैंक निफ्टी में क्या बैंक निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड कब बुलिश हुआ था जब थर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड लेवल हमने ब्रेक किया था ठीक है तो बुलिश हो गया था तो जब तक ये लेवल लोअर साइड ब्रेक नहीं होता बैंक निफ्टी का ट्रेंड बेरिश नहीं होगा जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर रही है मार्केट जैसे वहाँ पर सेवनटीन सिक्स हंड्रेड इंपॉर्टेंट है यहाँ लोअर साइड थर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड का लेवल आपको क्लियर हो चुका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपसाइड कहाँ तक पहली बार रैली जाती हुई दिख रही है हमें थर्टी एट वन ट्वेंटी तक यहाँ तक हमें एक्सपेक्टेड है मार्केट आएगी ठीक है यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को आना चाहिए ये जो ट्रेंड है अब ये एक बिगर रेंज निकल के आ रही है मार्केट ये ब्रेकआउट मिलेगा तो फिर एक बड़ी रैली स्टार्ट होगी फिर से लाइफ टाइम हाई लेवल्स के पास जाएंगे वो इसके ब्रेकआउट के बाद है अभी काइंड kind ऑफ of ये एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है इसके बिलो मार्केट फिर से बेरिश हो जाएगी और इसके अबाव फिर से एक बहुत बड़ा बुल रन हमें एक्सपेक्टेड है तो इंपॉर्टेंट पोजिशनल लेवल्स तो क्लियर हो चुके हैं अब इंट्राडे कल क्या करना है क्या लेवल्स फॉलो करने है? और कैसे ट्रेड्स बनाने क्योंकि इंट्राडे डे ट्रेड्स के लिए तो इंट्राडे लेवल्स ही काम आएंगे तो इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट में थर्टी सेवन फोर हंड्रेड आज भी वर्क किया इसने परफेक्ट एंट्री दी आपको वहाँ से बहुत गज़ब का अपमूव देखा उसके बाद थर्टी सेवन टू हंड्रेड इसने भी परफेक्टली वर्क किया ठीक है यहाँ भी देखिए सारी कैंडल इस लेवल को टेस्ट कर रही है तो परफेक्टली दोनों लेवल्स ने वर्क किया तो ये दोनों वर्क करेंगे एज अ सपोर्ट का इसके बाद लोअर साइड सपोर्ट वही इंपॉर्टेंट लेवल थर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड आज के लिए थर्टी सेवन थाउजेंड था कि एक्सपायरी वाले दिन फाइव हंड्रेड के मल्टीपल्स में मार्केट वर्क करती है और आप एक्जैक्ट क्लोजिंग भी देखेंगे थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड के पास ही आई है जो फाइव हंड्रेड का मल्टीपल है जनरली बैंक निफ्टी में आपको ऐसा देखने को मिलेगा तो ये हमारे तीनों सपोर्ट लेवल्स रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला थर्टी सेवन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी एंड उसके बाद थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड लेवल ये दोनों रेजिस्टेंस का वर्क करेंगे बैंक निफ्टी में सिंपली ट्रेड कैसे बनाना है सिंपली ट्रेड बनेगा अगर मार्केट थर्टी सेवन फोर हंड्रेड को होल्ड करती है ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए लेवल डिप आता है इस लेवल को होल्ड करती है तो फिर से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है थर्टी सेवन सिक्स फिफ्टी तक और अगर इस लेवल को लोअर साइड ब्रेक कर दिया तो आपको पुट्स में एंट्री करनी है टारगेट होगा थर्टी सेवन टू हंड्रेड और इसके बिलो ये टारगेट आएगा ठीक है पुट्स में एंट्री इसके बिलो और अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड करे तो आपको लॉन्ग्स और कॉल्स में एंट्री करनी है ठीक है ये सिंपल सा बैंक निफ्टी में सेटअप है लेवल्स हमने आपको बता दिए मार्ग रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पर डिप ज़रूर आ रहा था लेकिन आपको पता था यहाँ सपोर्ट है यार ये तो एंट्री का मौका दे रहा है बिल्कुल लोअर लेवल्स पे आपको तो यहाँ पे आप बाइंग करते सेलिंग नहीं इस लेवल पे तो लेवल्स को ज़रूर मार्क करके रखें डेली आपके लिए बहुत ही परफेक्ट लेवल्स हम निकाल के देते हैं तो लेवल्स को ज़रूर यूज़ करें एंड सिंपल सा सेटअप है ट्रेड भी हमने आपको बता दिया कोई है कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं चैनल पर नया है पे तो क्या करना है वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है सब्सक्राइब कर लो यार डेली इतना परफेक्ट एनस लाते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते लाइक भी जरूर कर दें तो आज के वीडियो बताएँ है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर